सो कैंडिड वी जेल ये एक एंटी फंगल जेल है जिसका इस्तेमाल वजाइनल फंगल, वजाइनल डिस्चार्ज या वजाइनल ईचिंग, रेडनेस ये सभी प्रकार के लिए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंडिड वी जेल के बारे में इन डिटेल जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके कॉम्पोजिशन क्या है, उसका ड्रग ऑफ मैकेनिज़म क्या है, उसे आपको यूज़ कैसे करना है, उस मतलब वो इंसर्ट करना पड़ता है तो उसका पर यूज़ हम देखेंगे, उसके साथ साथ उसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस एंड किन लोगों को ये वीजेल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, होप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएंगी और आपके सभी क्वेरीज पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कैंडिड वीजेल का मेन साल्ट कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया है? क्लोट्रिमाजोल 2% WW ये इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया गया है। ये क्रीम मैन्युफैक्चर या मार्केटर इसके कौन है? तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इस कंपनी से ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसका मतलब आप जब ये क्रीम घर लाओगे तो इसे कैसे फ्रिज में रखना है या इसका प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन क्या है? तो इसका स्टोरेज कंडीशन है स्टोर बिलो 30°C, मतलब आपको नॉर्मल आप घर में रख सकते हो, फ्रिज में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, कैंडिड वी जेल ये एक एंटी फंगल जेल है जिसका इस्तेमाल त्वचा में जो फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ वजाइना में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो वाइट डिस्चार्ज होता है, मतलब उसको ही सफ़ेद पानी कहते हैं, उसके उपचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो वजाइना में स्वेलिंग, रेडनेस और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग आने लगती है, वो सब ट्रीट करने के लिए कैंडिड वी जेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ कैंडिड वी जेल। कैंडिड वी जेल जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है वजाइना में, उसे रोकने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। वो फंगल इन्फेक्शन को स्टॉप कर देता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है, वो स्प्रेड को इनहिबिट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। उसके साथ साथ जो ईचिंग और स्वेलिंग, रेडनेस, उसमें भी ये जेल रिलीफ करता है। और कुछ ही दिनों बाद इसका कंटिन्यू यूज़ करने से ये इन्फेक्शन को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। तो गाइस, अब हम देखते हैं हाउ टू यूज़ कैंडिड वजाइनल जेल, आपको इसे यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्टली आप याद रखना, ये जेल यूज़ करने से पहले आपको अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में जो फंगल वगैरह बैक्टीरिया रहेगा उस वजह से वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस वजह से पहले आपको हाथ धोना चाहिए। उसके बाद कैंडिड वी जेल में एक एप्लीकेटर आता है, वो प्लास्टिक या फाइबर का हो सकता है, उसमें आपको वो जेल इंसर्ट करना होगा। 3 से 5 ml तक आपको वो इंसर्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर के अनुसार ही आपको लेना चाहिए, आपके डॉक्टर ने आपको जितना बताया है उतने उतने ml आपको उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, आपको वो एप्लीकेटर वजाइना में इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रीम है, वो जेल है, अच्छी तरह से आपके वजाइना में इंसर्ट हो जाए और वो अच्छे से फैल जाए और जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसे आपको ऐसे लगाना है। उसके बाद वहाँ पर जो जेल होता है, वहाँ पर आपको एक छोटी सी पर्ची भी मिलेगी, उसमें सारे यूज़ कैसे करना है, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखे होंगे, आप उसका इस्तेमाल करके भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्लीन एंड ड्राई द अफेक्टेड एरिया बाय अप्लाइंग द जेल, जो भी आपने जेल अप्लाई किया है उसके बाद वो एरिया जो है वजाइनल एरिया अच्छे से क्लीन करना है और ड्राई करना है, और उसके बाद आपको आपके हाथ अच्छी तरह से वॉश करने पड़ेंगे। तो इस कुछ ऐसे प्रकार से आपको ये जेल इस्तेमाल करना होगा। तो कैंडिड वी जेल दिन में आपको 2 या 3 बार यूजुअली आपको लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर रिकमेंडेशन। तो गाइस, अब हम देखते हैं कैंडिड वी जेल के कुछ बेनिफिट। कैंडिड वी जेल ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फंगल इन्फेक्शन के लिए। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इनमें ईस्ट इन्फेक्शन लाइक कैंडिडाइसिस होता है, इचिंग होता है, बर्निंग होता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ऐसी जो वजाइनल इरिटेशन होती है वो सारी इरिटेशन, इचिंग, फंगल इन्फेक्शन में ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा असरदार मानी गई है।
तो अब हम देखते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि आपकी स्किन इरिटेशन होने लगती है, स्किन में रेडनेस लालीपन आ जाता है, उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जहाँ पर भी ये क्रीम आप अप्लाई करते हो थोड़ी सी आपको जलन महसूस हो सकती है। तो ये ऐसे कौन से भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर देना और उनको बता देना आपको इसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो गाइज, आप कैंडिड वी जेल यूज़ कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि आईज़, नोज़, माउथ पे जो भी सेंसिटिव एरिया रहता है वहाँ पर ये क्रीम का कांटेक्ट होना अवॉइड करना चाहिए, या आईज़ पे, नोज़ पे या क्रीम लग जाए तो वो उसे वॉश आउट करना चाहिए यूजिंग दी वाटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस क्रीम की एलर्जी हो रही है तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको इसकी एलर्जी हो रही है। एलर्जी हो के भी आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो गाइस, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है, कभी भी आप ये कैंडिड वी जेल या फंगल रिलेटेड कुछ भी यूज़ कर रहे हो, क्रीम्स, टैबलेट्स, कैप्सूल, तो कभी भी उसको आधा अधूरा कोर्स नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने जितने दिन के लिए बताया है आपको फुल कोर्स करना चाहिए। डू नॉट स्किप एनी डोज, ओके, क्योंकि आपको थोड़ा दिन बेटर फील होगा और आप ये कोर्स छोड़ दोगे तो वो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर से आ जाएगा, तो फुल कोर्स करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कि आप प्रेग्नेंट हो या प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी का, या कुछ मॉम्स होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उनको ये क्रीम ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, पहले आपको डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की सलाह लेनी है तभी इस क्रीम का यूज़ करना चाहिए। तो होप गाइज, डू यू लाइक दिस वीडियो, आपको सभी जानकारी एक ही वीडियो में मिल चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।